30 जून को धामी सरकार 2.0 के कार्यकाल के 10 दिन पूरे होने जा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस पर कहा कि अभी तक के कार्यकाल सिर्फ शब्दों में ही नजर आते हैं। देखिए रिपोर्ट। इस सरकार के होने जा रहे हैं, कितने नंबर देंगे पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते आप धामी सरकार को? अभी तो केवल शब्दों में है, बात ही बातें हैं, अभी तो कहीं धरातल पर कुछ है नहीं। बजट भी अभी भी पास किया है, तो ये तो अभी 100 दिन जो है हवा में है, तो हवा में कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, है? तो बाकी बचने को का दरिद्रता, भाजपा के लोग जो है बचनों के दरिद्र नहीं है, कुछ न कुछ वो कहेंगे, मगर सत्यता ये है कि ये 100 दिन पूरी तरीके से निराशा के दिन है। मगर हम अभी इसके, क्योंकि 100 दिन मेरा मानना है कि किसी सरकार के आकलन के लिए काफ़ी नहीं, हम कम से कम एक साल इंतज़ार करना चाहेंगे। एक साल में देखेंगे किस दिशा में जा रहे हैं, तब उसके बाद कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। और अभी मैं समझता हूँ कि 100 दिन तो केवल ये तो शब्दों के दिन है, 100 दिन कुछ किया तो है नहीं उन्होंने, और न करने का समय ही आया है। 100 दिन में हम ये कहें कहीं कोई बड़ी चुनौती आई होती, जैसे हमारी सरकार के सामने 100 दिन में एक चुनौती थी जब आए थे, जब मैं मुख्यमंत्री बना था, वो था दैवीय आपदा की चुनौती थी, तो उसमें करने के लिए हर दिन हमारा मूल्यांकन होता था, तो वो स्थिति आज नहीं है, भगवान की कृपा से सामान्य स्थिति है। तो इस सामान्य स्थिति में भी कोई ऐसी उपलब्धि इस सरकार की नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, एक जवाब जरूर इनको देश और सबको देना पड़ेगा कि चार धाम यात्रा का संचालन में शुरू में ये लड़खड़ाए और उसका परिणाम ये है कि 100 से ज़्यादा लोग अकाल काल कलवित हो गए। चुनाव में हारने से कोई सरकार धराशायी, कोई पार्टी धराशायी नहीं होती। हाँ, सरकार बनाने का जो हमारा मंसूबा था वो धराशायी हुआ, और मैं समझता हूँ कि हमने लास्ट 1-1.5 महीने में जिस तरीके का व्यवहार दिखाया, जिस तरीके की परिस्थितियां हुई, उसमें हमने खुद वो दावा सरकार बनाने का गवा दिया। अब रहा सवाल कि यहां से क्या होगा। पार्टी है, पार्टी मजबूत है, हमारे 19 विधायकों ने इस सदन में इस सरकार की को कश करके रखा, और मैं समझता हूँ हमारे अध्यक्ष भी युवा हैं और कुछ करेंगे, कुछ कुप्पत दिखाएंगे, पार्टी जमीन पर भी जनता के सवालों पर संघर्ष करेगी। तो ऐसा है, आवश्यक नहीं कि आप सत्ता में हो तभी अच्छा कर सकते हैं, आप विपक्ष में भी जनता के लिए, राज्य के लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं। और हमारी धारणा सीधी है कि टू अपोज द गवर्नमेंट, हम सरकार की गलत नीतियों का, मुख्यमंत्री की गलत बातों का अब विरोध करेंगे। जब मौका लगेगा दांव लगेगा, अब तो दांव 2027 में आएगा, तब इनकी सरकार को उलट देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।